तो मैं केवल यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी आपको। गाइस देखिए, सामने आप देखेंगे वो बैठा हुआ है। हम लोग किसी से भी अपने अपने बर्ड्स को बचा सकते हैं, मगर इनसे नहीं बचा सकते। शिकारी जितने भी जानवर होते हैं, जैसे डॉग, कैट, मगर ये बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। मैं भी छत पर आया तो मैंने देखा ये साहब ताले खोलने की कोशिश कर रहे थे, और उसके बाद पूरा इन्होंने इसके अंदर घुसने के लिए देखिए पूरा सेटअप खराब करके डाल दिया। इसमें रस्सी वगैरह सब तोड़ दी गई है, ठीक है, और ये पूरा बांधा हुआ था फ्लैक्स, जी हमने सब फ्लैक्स इन्होंने ख़राब कर दिया। भाई अंडे ही खाने ज़रूरी हैं क्या? हाँ, खाने के लिए बहुत सी चीज़ हम यूज़ कर सकते हो खाने में, मगर कोई बात नहीं, चलो जी छोड़ो। खैर, वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं सभी? आई होप से सभी बढ़िया होंगे, एकदम से ठीक ठाक होंगे। तो गाइज अभी हम लोग छत पर आ गए हैं और होली चल रही है काफ़ी अच्छी खासी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए व्लॉग शूट कर लिया जाए। और व्लॉग शूट करना बहुत ज़रूरी है, उसकी वजह क्या है कि हम नहीं चाहते कि आप तक हमारी वीडियोज़ रोज नहीं पहुँचे, है ना। क्योंकि वजह उसकी क्या है कि सभी को वीडियो देखनी होती है और सभी लोग वेट करते हैं, तो फिर वो तो मिस नहीं हो सकती ना। तो फिर आज व्लॉग शूट करते हैं, आज व्लॉग में हम करने क्या बने, रुकिए आपको बताता हूँ मैं। पहले देख लीजिए आप, दो चार छः कबूतर बाहर खुले हुए हैं, बाकी सब बंद हैं। व्लॉग में आज हमने करना क्या है दोस्तों, मैं बताता हूँ, लाइन पर एक मिनट आप लीजिए जी। व्लॉग में हमने आज कर लेना क्या है, हम लोगों ने सबसे पहले अपने इन दोनों कबूतरों को आज नीचे शिफ्ट कर देना है। ये जो पेयर जिसको आपने एप्लीकेशन लगा के रोका था कि भाई इस पेयर को ना दे, वो पीछे मेल है, जस्ट उसके आगे ही फीमेल है ना। इन दोनों को आज हम नीचे मीडियम शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि गाइस मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो देखिए, ये बच्चा देख रहे हैं आप, ये वाला देखिए आगे जो बैठा हुआ है, इस बच्चे को इन्होंने पीटा है। इस हिसाब से तो ये किसी वजह से ऊपर दो बच्चे निकल रहे हैं, ऊपर जो ब्राउन पिजन वाला पेयर है उसकी ब्राउन फीमेल बैठी है, ये नीचे गिर गए तो जान से ही मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई कर्मकांड हमारे सेटअप में आगे के लिए हो, पहले से हम बहुत सारी वारदात देख चुके हैं ऐसी। तो बस गाइस हम करेंगे क्या, आज ना हम लोग इन दोनों को शिफ्ट कर देंगे नीचे, और शिफ्ट करने के बाद नीचे जो कबूतर है ना, वो इतने स्टिक हैं, इतने ज़्यादा टफ हैं कि भाई अगर इनमें से किसी ने भी वहाँ शरारत करने की कोशिश की तो इनमें दह घूसे या दह घुसंड बजेंगे दवा के, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादा नीचे हैं, ये देखिए कहाँ से आया, किधर से आया, ये देखिए गया, वो गया जी, सारे कबूतर को उड़ा के भाग गया। और मुझे लगता है ये किसका है कबूतर, पता नहीं किसका है। मुझे लगता है गाइस हमारे कबूतर काफ़ी डरे हुए हैं, आपने नोटिस किया होगा, जब भी मैं जाल खोलता हूँ तुरंत ये करते हैं, ये सारे बाहर निकल आते हैं भाग करके, है ना। और आज आप देखेंगे कि ये बाहर नहीं निकल रहे हैं और रेगुलर ये करके आ रहे हैं, ये अंदर ही हैं। तो बंदर ने क्या किया होगा, यहाँ पर खूब ज़्यादा इनको जाल को हिलाने की कोशिश की होगी, खोलने की कोशिश की होगी, और इसकी वजह से डर चुके हैं और सभी अंदर ही हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं खोलने के बाद, और बाकी ये कबूतर हमारे डर कर उड़ रहे हैं। तो गाइस इन बंदरों से यार बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है सभी को, कबूतरों को भी, और इतनी ह्यूमन मतलब इंसान होते हैं उन्हें सबको। तो जी देखिए, एक वो जा रहा है उड़ के, और बाकी तीन ये उड़ रहे हैं, एक येरा ऊपर, तीन चार और एक पांच हैं ऊपर, और अभी एक और है, वो देखो जंग जाकर कहाँ बैठ गया है, वो देखो सामने वो बैठ गया जी वहाँ पर। और हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि इन दोनों को पकड़ कर डालेंगे इस वाले केज के अंदर, और उसके बाद हम इस केज को नीचे लेकर जाएंगे, ठीक है। चलो जी फिर करते हैं शुरुआत और तैयारी। चलो भाई आज तुम्हारा यहाँ ओवर हो गया गेम, तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम जाओगे नीचे, वो भी मिनी जू के अंदर, ठीक है। तुम बहुत शरारती हो, तुमने देखो भाई कितना मारा है इसको भी, देखो देखना है, ये देखेंगे आप, ये देखिए ना कितना मारा गया है इसको। तो ये कोई तरीका होता है इस तरह से, कौन मारता है भाई, तुमने इनको ही मार मार के ऐसा कर दिया यार, बोला लीजिए गाइस, हमने ना इन दोनों को पकड़ के कर लिया है इसमें लॉक, और अब इनको लेकर चलेंगे मिनी जू के अंदर जहाँ पर ये रहेंगे। इस पेयर को हम यहाँ नहीं रखने वाले, इतना झगड़ा किया इसने, इतना नुकसान किया है, सभी कबूतरों को ज़्यादा
पिटाई की है और मारा है, तो अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम इसमें नहीं रहोगे, ठीक है। बाकी जहाँ तुम शिफ्ट होने जा रहे हो बहुत अच्छी जगह है, बहुत शानदार जगह है, तुम्हारा खूब मन लगेगा, पर वहाँ झगड़ा नहीं करना किसी से, ठीक है। तो चलिए गाइस लेकर चलते हैं नीचे। तो गाइस इन्हें नीचे ले जाने से पहले, मतलब ये जो हमारे कबूतर हैं, मैं आपको कुछ दिखा देना चाहता हूँ, जो कि मैंने अभी अभी जैसे ये वाले कबूतर खोले थे, तो मैंने क्या किया था पता है, कबूतर खोलने के बाद मैंने उधर से नोटिस किया, कबूतर उड़ कर आ रहा था उस साइड से, वहाँ से वहीं बैठता वहाँ सामने बैठ गया। देखिए वो बैठा है वहाँ, वो देखिए आप, वो वहाँ बैठ गया जाकर, बड़ा प्यारा था और बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। और कोई बात नहीं, देखेंगे वहाँ से आना होगा तो आ जाएगा, क्योंकि हमने कबूतर तो क्योंकि हमने खोल ही दिए हैं, तो अब चलते हैं इसको नीचे रिलीज़ करने के लिए, जोड़े को नीचे छोड़ कर आएंगे इसको, ठीक है। तो फाइनली गाइज अभी ना हम इनको नीचे ले आए हैं और हमारे जो कबूतरों का रिएक्शन देखते हैं, इनको देखकर क्या हो रहा है। देखिए ये आ गया है कि मजनू आ गया है पहले नीचे, और अभी इनके ये थोड़े ना डरे हुए हैं, वजह उसकी क्या है, ये यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद आए हैं, पहले छोटे बच्चे थे तब यहाँ आए थे, और अब तो ये समझ लीजिए कि इनके साथ इनके लिए फर्स्ट टाइम ही हो गया है, क्योंकि पहले हम करते क्या, मेल को यहाँ से छोड़ देते हैं, और तुम बाहर आओ। तो गाइस ये मैंने मेल को छोड़ दिया यहाँ पर, और अभी मैं फीमेल को यहाँ ड्रॉप कर दूँगा बाहर की तरफ, तो पहले निकाल लेते हैं। और हमारे बाकी जो सारे कबूतर हैं ना, उनका सभी का रिएक्शन उनको देखो। देखिए बॉब आया सबसे पहले, भाई तुम बाहर आ जाओ बड़े प्यार के साथ, ये लो जी गाइस फीमेल को भी छोड़ दिया है। भाई इनको ना अपना नया घर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, और मैं दिखा दूँ आपको, देखिए बिल्कुल भी है ऐसा नहीं लग रहा है, जैसे यहाँ फर्स्ट टाइम आए, बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं भी और बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। मजनू जो है काफ़ी मस्ती कर रहा है इनके साथ बार बार, टोनी भी मस्ती कर रहा है, फीमेल जो है थोड़ी डरी हुई है बस। तो फाइनली दोस्तों आज का ये भी काम निपटा दिया हमने आज इन्हें नीचे शिफ्ट कर दिया, और ये नीचे काफ़ी खुश रहेंगे, बेहतर रहेंगे, आबाद रहेंगे। वहाँ ये बाकी पिजन्स को मारते थे, यहाँ ये मार नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ खुली जगह है, कहीं भी अपना एक घोंसला बना सकते हैं, किसी भी कोने में जाके अपने अंडे बच्चे दे सकते हैं फाइनली। और देखिए मेल बहुत ही ज़्यादा खुश है, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए कैसे रेगुलर फीमेल को जो है ये हिट कर रहा है, ये बड़े ही मस्ती वाला हिट होता है, ऐसे नहीं कर रहा है, आप सोचे ना मार रहा उसे। बट हमारे बाकी कबूतर फाइनली हमने सेव कर दिए हैं, और इस पेयर के लिए बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का था कि भाई आप ना इसे देना किसी को, तो हमने इसको भी किसी को देना नहीं है, ठीक है। बाकी मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ये देखिए वो देखिए जो फीमेल है ना, इसको तो कोई पड़ी ही नहीं है कि वो नई जगह कहीं पर आई है, और या ये कोई नई जगह है, बिल्कुल भी उसको ऐसी कोई पड़ी नहीं है, वो तो मस्त अपना दाना खा रही है। और मेल एक बार के लिए थोड़ा सोच रहा है कि हम लोग कहाँ आ गए हैं, बाकी फाइनली नो इशू, बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है, हमारे ये नया जो पेयर भी और साथी में इसके जो है जो साथी हैं, सभी दोस्ती करने के लिए लगाने के लिए इससे आ रहे हैं। देखिए दोनों नए वाले बेबी जो हैं ये भी दोस्ती लगाने के लिए आ रहे हैं, उधर हमारा जो लकी पीजन है वो भी दोस्ती लगा रहा है, बाकी टोनी को थोड़ा हिट कर रहा है यहाँ पर, टोनी मार रहा है और बाकी लैला मजनू भी मार रहे हैं थोड़ा। वो देखिए टोनी भी जो है इनके काफ़ी नज़दीक आ गया है, और बाकी फाइनली ये लोग यहाँ खुश रहे हैं, नहीं चाहते हैं। और हाँ कल आपको मैंने गाइज अथॉरिटी दी थी कि इन बच्चों का नाम रखने की, तो गाइज बड़े ही प्यारे प्यारे नाम आपने सजेस्ट किए हैं हमारे इन बेबीज़ के लिए, और बहुत ही सूटेबल नाम है, जल्दी ही हम इनको वो नाम देंगे और आप लोगों को बताएंगे कि हमने कौन कौन से मतलब गोल्डन हिंस की बेबी को कौन कौन सा नाम दिया है। बाकी आपका इतना प्यार है, इतना सपोर्ट है, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मैंने आज यहाँ पर क्या किया है, मैंने इनके लिए अपनी डायमंड डब के लिए एक नेस्ट यहाँ बनाकर इसके ऊपर यहाँ पर हमने घास रख दी है। गाइज यहाँ मैंने इतना बड़ा घोंसला बनाया था, इसमें पूरा घोंसला जब मैंने ख़त्म कर दिया, चिंता ना करो भाई, तुम्हारा भी कुछ दिन का रह गया है मामला, जल्दी ही तुम्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा तुम्हारी इस कॉलोनी के अंदर जल्दी ही, ठीक है, ताकि तुम ना इनके किसी के घोंसले को ख़राब ना कर सको, ठीक है। और गाइस एक जेब्रा फिंच का बेबी देखिए हमारे यहाँ निकला है, इस बार देखिए वो बैठा है सामने, बहुत प्यारा था ये, इस बार का सीजन का पहला बच्चा हमारे यहाँ निकला है, जो कि इतना खूबसूरत है ना, ये ग्रे कलर में है, बाकी आगे चल के देखते हैं इसका कलर कैसा जाता है। तो फिर दोस्तों मैं सोचता हूँ कि आज की वीडियो को यहीं ओवर करना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी या फिर शॉर्ट, क्योंकि मुझे पता नहीं वीडियो कितनी शॉर्ट हो चुकी है, मुझे आज जाना है काम से बाहर और वहाँ पर बहुत सारे काम भी मुझे निपटाने हैं। तो ठीक है, मिलेंगे बहुत जल्दी आपको किसी नए व्लॉग में वर्ल्ड सेटअप के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर, और हैप्पी होली सभी को।